महादेव, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग गंगा जी, और बहुत रपट है, हम भी गिर जाते हैं। गाइस पता नहीं क्यों भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब से हम यहाँ पे आए हैं लगातार बुखार आ रहा है, मतलब जितनी पास आ रहे गंगा जी उतना तेज फीवर आता जा रहा है। मतलब उतनी देर में कम से कम 3-4 बार बहुत ज़्यादा बुखार आया है, बट दवाई ले रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मैंने कहा देखें कि भोले बाबा कितनी परीक्षा लेंगे मेरी। तो गाइस मैं आपको नारायण आश्रम पांचाल घाट का नज़ारा दिखा रही हूँ, जिस प्रकार का है। तो गाइस यहाँ का मौसम बिल्कुल कश्मीर जैसा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गंगा जी पे इस टाइप के मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग गए हो तो आप लोगों को पता होगा गाइस, सारे कांवड़िया अपनी अपनी कांवड़ लेके निकल चुके हैं, इसी टाइम ही निकल चुके हैं, अभी 6 बजे हैं बहुत सारे लोग, बट अभी हम लोग नहीं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कपड़े की शॉप पे, जहाँ पे हम अपनी टी शर्ट और लोअर जो कुछ भी पहनेंगे वो कपड़े खरीदेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा। आपको कोई टी शर्ट पसंद आए? कौन सी वाली? कावर बन गए आपके? अभी नहीं बनी है, अभी दिखाऊंगी मैं कैसे बनती है यहाँ पे कावर। आपने कपड़े ले लिए? तो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग गंगा जी में स्नान करने। गाइस ये है गंगा जी का नज़ारा, कुछ बहुत ही प्यारा है। गाइस जब से हम यहाँ गंगा जी आने का प्लान बनाया तब से मेरी महादेव परीक्षा ले रहे हैं। मुझे घर पे इतना ज़्यादा बुखार आ गया था, रास्ते में लगातार 3-4 बार इतना बुखार आया, पूरी रास्ते दवाई खाते हुए आए, इतनी ठंड लग रही थी। बट कोई बात नहीं, जितनी भगवान परीक्षा लेंगे लेने दो, बट ऐसा नहीं है कि मैं हार मान लूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कावड़ बनती हैं, ये कावड़ है। गाइस पूरी रास्ते भर बारिश होती रही और अभी भी बिल्कुल बारिश नहीं रुकी है, पूरी रास्ते भर बारिश होती रही और अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं थमी है। जब से आए लगातार बारिश हो रही है। तो हम लोग भी हार मानने वाले में ऐसे नहीं है, होती है, देखा जाएगा। कांवड़ लेने आए तो लेके जाएंगे। तो पहली गाइस मैंने कांवड़ भी ले लिए हैं, ये वाले मैंने इस बार ना पतली वाली ली है, मोटी वाली नहीं ली है, ये यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बस इनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने यहाँ से लिए हैं काली शॉप से, ये 30 रुपये के पड़ गए, 50 के बता रहे थे, मैंने 30 किलो लिए। तो गाइस अभी हमें बोतल लेनी है टिपिया, मतलब कि जिसमें जल भर के लेके जाएंगे, वो चार बोतल रहेंगी, दो छोटी रहेंगी दो बड़ी रहेंगी, तो वो लेंगे फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा, इतना ज़्यादा पानी इस बार है कि मतलब चलना भी मुश्किल है, चप्पल फंसती जा चल रही है, बारिश तो हो रही है, भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश है। ये वाली रही हमारी कवर जिसमें हम लोग होंगे। यहाँ पे ऐसी होती हैं, इनको बनाया जाता है। ये देखो बाइक किसी की पलट गई, ये सारी कावड़ है यहाँ पे।
अभी तो कावड़ में जल भर गया या नहीं है बताओ? अभी नहीं भरा, अभी स्नान करेंगे, उसके बाद में जल भरेंगे। तो अभी कावड़ तैयार हो गई है? हाँ, अभी कावड़ बस नीचे चल रहे हैं, अभी जल तो नहीं भरा है, अभी हम लोग नहाएंगे करके उसके बाद में जल भरेंगे। गाइस कमेंट में बताना हमारी कावड़ कैसी लगी। तो गाइस जल वाली बोतल भी खरीद ली है और अब प्रसाद बाकी रह गया है, उसे भी खरीदते हैं। गाइस प्रसाद खरीद लें। चालू इधर देखो गाइस, अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ, थोड़ा देर तेज आ जाओ। दो बस इतनी दूर है। कैसा लग रहा है? तो फाइनली गाइस नहा लिया है, अभी हम बाहर निकल रहे हैं गंगा जी से। बहुत अच्छा लगा नहा करके, मतलब बहुत बढ़िया। जहर और गंगे जरूर कमेंट में करना, ठीक है? तो गाइस मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, ये वाली मैंने आज ली है और अभी कर देती हूँ। Thank you.
अपनी पूरी कमर पकड़ लो थोड़ा बोले गाइस, ये सारे गावड़ हैं तो संकल्प जाएगा उसके बाद में जाएंगे। तो गाइस हमारी कावड़ जा चुकी है और हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली के पास पे। और ये भैया की जो टी शर्ट थी ये थोड़ी टाइट है तो उसको देखते हैं चेंज होती है नहीं। जैसे ये रेड कलर का ये टी शर्ट पहन के रखी है इस लड़के ने, इसने एक बार मेरी तरफ आंख मारी तो मैंने इसको धमकी दी अब मार के दिखा दूँ। ये भाई नहीं बोल रहा है मतलब कुछ भी नहीं। मैंने बोला कि जो डंडे वाले जो है इनका चलते तो इनके ऊपर टाइम नहीं लगेगा, दो मिनट में इनकी दुकान गायब हो जाएगी। अरे यार धार्मिक स्थल पे आंख मार रहे हैं, ड्रामा बना के रखा है क्या ऐसा है आंख मारने वाले। ये रेड कलर की जो टी शर्ट पहना गई इसने, वो मेरे से दूर नहीं है, बता दिया तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो गाइस मैं ट्रॉली में बैठ चुकी हूँ, आप लोग वीडियो में ऐसे काट के इतने प्यारी कावड़ है गाइस, अरे बात जरूर कमेंट करना। भजत रही हो, भजत रही हो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी कावर अपने भैया को दे दी है, आज मेरी आवाज बहुत कम हो गई है क्योंकि भोले बाबा ने इतनी मेरी परीक्षा ली है, इतनी मेरी परीक्षा ली है बहुत ज्यादा। मैं जब से मैंने आने का नाम लिया तब से मुझे बुखार आ रहा है और पूरी ट्रॉली में मुझे बुखार आता रहा, एक से बढ़कर एक तेज वाला बुखार आ रहा था। तो
यार नहीं मानी, मैं कवर लेके आई थी और फिर मैंने कहा ऐसा नहीं है, मम्मी ने तो बोला था कि रहने दो, फिर इतना बुखार आ रहा है, फिर मैंने नहीं माना। मैंने कहा जितनी परीक्षा लेनी है ले ले भोले बाबा, इसलिए हार मान ले मैं नहीं है। तो गाइस अभी मैंने अपनी कवर भैया को दे दिया, मैं सोच थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। भैया लेके चल रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर आ चुके हैं बरेली मोड़ पर। सारे कांवड़िए एक साथ ही सारे लोग लिए गए थे, अब सारे लोग एक साथ में ही चलेंगे गाइस। तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था इसलिए मैं सीधा आपको गोला ही मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोला शिव मंदिर। इतनी ज़्यादा गाइस तो रास्ते पर इतना बुखार आया है, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत चाला चलाया भैया ने, बहुत मतलब भैया ने तो पूरा शाहजहांपुर चला। कुत्ते में तो सारे लोग बोले थे हमें मत देना हमें मत देना, शाहजहांपुर पूरा भैया ने अकेले निकाला। बहुत पावर है शिव के, बहुत बड़े आले भक्त हैं, इससे ये साबित हो रहा है बहुत अच्छे से। गाइस अभी कावड़ की आरती होना बाकी है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं शिव मंदिर वहीं पे गोला तीर्थ पर, फिर मिलते हैं आपसे सीधे वहीं पे। आओ मम्मी। हम लोग चौराहे पे बड़े वाले चौराहे पे पहुंचने वाले हैं और मंदिर पहुंचने में थोड़ा टाइम बाकी है। गाइस अभी कावड़ हम लोगों को मिल जाती बट अभी थोड़ा रुक गए पीछे इसलिए नहीं मिल पाई है। तो हमारी ट्रॉली बाईपास पे रुकी थी, हमें कम से कम 5-6 किलोमीटर चलना था, तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग तीर्थ पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं इस गोला शिव मंदिर जिसका मुझे था इंतजार, इसी घड़ी का इंतजार था और हम लोग आ चुके हैं शिव मंदिर। गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कावड़ की आरती करना, वही मम्मी करने के लिए इतनी दूर आई थी गोला। तो गाइस सबसे पहले भैया को चंदन लगाया जाएगा, उसके बाद में कावड़ की आरती होगी। तो मैंने भी सेम ऐसे किया था, मेरे भी सबसे पहले चंदन लगाया गया था और वही वाली कावड़ की आरती हुई थी। हम लोग एक कावड़ में 4 लोग थे तो इसलिए एक ही कावड़ थी तो उसकी आरती हो रही थी। तो गाइस आरती बहुत ज़रूरी होती है, आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जय बोले ज़रूर कमेंट करना। गाइस वीडियो में ऐसे कंटिन्यू बने रहना, मैं जितना हो सके आपको दिखाऊंगी। Thank you.
ही सब आए हैं कलेश चढ़ने पर जल चढ़ाने। तो फ्रेंड्स कलेश चढ़ने पर जल चढ़ा दिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पर। मैडम जी बता सिखा रही हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग गंगा जी से अपने घर पर आ चुके हैं और अभी मम्मी हमारी आरती करने फिर से आ रही हैं। तो गाइस भैया के भी आरती चंदन हो रहा था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट में जय बोले जरूर करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।